नमस्कार दोस्तों, एक नए सफ़र की शुरुआत कर रहे हैं। आज देखिए, ले चल रहा हूँ आपको कहीं और घुमाने। एक नदी है, उसके पास चल रहे हैं, क्योंकि आज मेरा यहाँ पे आखिरी दिन है। कल सुबह मैं यहाँ से निकलूँगा और सर्गेई पोशाद जाऊँगा, फिर उसके बाद मैं मॉस्को पहुँचूँगा और मॉस्को से फिर मेरी नए एक सफ़र की शुरुआत होगी और मैं जाऊँगा पेंजा। तो देखिए, तो चलते हैं अब अगले सफ़र की तरफ। देखिए कि जहाँ जा रहे हैं वहाँ आपको ले चलते हैं। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, आदाब, सबसे अकल, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं रितेश परिहार। अपने फ्री टाइम को देखिए, एक तालाब है, उसके देखिए किनारे चारों तरफ लकड़ी के लॉक्स हैं, वुडन लॉक्स लगे हुए हैं, और वहाँ पे आपको बतख दिखाई दे रही होगी अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ। देखिए मूव करते हुए, वहाँ उधर लोग फिशिंग कर रहे हैं बच्चों के साथ। बड़ा अच्छा एटमॉस्फेयर है एकदम। जिन लोगों को शांति पसंद है ना, शांति प्रिय लोग जो हैं, जिनको भीड़ भड़ अच्छा नहीं लगता है, शोर शराबे से दूर रहना चाहते हैं, उन लोगों के लिए ये जगह बहुत अच्छी है। आइए, एकदम बड़ा सुकून मिलता है ना। देखिए सामने सड़क है, अब हम उस सड़क पे आने वाले हैं। अब एक सड़क पे आ गए हैं हम। देखिए गाड़ियाँ गाड़ियाँ दिखाई दे रही होंगी आपको, लोग आते हुए कमी दिखाई देंगे पैदल चलते हुए। ये देखिए एक वर्कशॉप है और उसके ठीक बगल में फिटनेस सेंटर है, जिमनेजियम जिसे हम बोलते हैं।
मेरे राइट हैंड साइड पे देखिए आपको पुराने घर दिखाई देंगे जो काफ़ी पुराने हैं, वुडन हैं। देखिए बड़े खूबसूरत लगते हैं ऐसे घर देखिए। ये जो बस देख रहे हैं ये मितिशी से एक शहर लोबनिया वहाँ जाती है। ये देखिए यहाँ का हॉस्पिटल है। मतलब छोटे एरियाज जो है ना कस्बे जैसा है ये मान लीजिए, तो यहाँ का भी जो हॉस्पिटल वो इतना खूबसूरत, इतना वेल मेंटेन। मेरे ख्याल ये जो सामने दिखाई दे रही खिड़कियाँ ये वार्ड्स होंगे पेशेंट्स लोगों के लिए। देख के बाहर से बिल्कुल होटल का फील आ रहा है। देखिए ये भी हॉस्पिटल की मेन बिल्डिंग है। यहाँ आपको हॉस्पिटल्स में भीड़ नहीं मिलेगी। पेशेंट्स के जो केयर टेकर्स होते हैं रिश्तेदार, उनको दिन में खाली एक घंटे के लिए परमिशन होती है कि वो आके अपने पेशेंट से मिल सकते हैं, नहीं तो पूरा ख्याल हॉस्पिटल रखता है, तो भीड़ जरा भी नहीं होती। सबसे अच्छी बात है ये। देखिए पुराने मकान से Конечно. अभी भी लोग यहाँ पे रहते हैं इन मकानों में। ये न्यू लोकेलिटी हाउस है। इस पूरे कॉम्प्लेक्स को बोलते हैं सुतोष्ण गोरद। आपको यहाँ पे पूरे ऊंचे ऊंचे मकान दिखाई देंगे। ये सब न्यूली कंस्ट्रक्शन है। सोच लीजिए ये इस शहर के हम नए हिस्से में हैं। देखिए ये सब नए मकान है। ये देखिए कि पुराना घर, इस बंदे ने अभी भी नहीं छोड़ा यहाँ पर। उसके चारों तरफ ये आपको मल्टी स्टोरी दिखाई देंगी, इतनी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स। ये देखिए बच्चों का पार्क, उनके खेलने के लिए टेबल टेनिस है, एक्रोबैटिक्स का है पूरा। वहाँ पे झूले हैं, सीसॉ है बच्चों के लिए और बुज़ुर्गों के लिए। ये देश स्वर्ग है, बहुत फैसिलिटीज है उनको। रिवर याउसा, उसके ब्रिज पे हम खड़े हुए हैं। देखिए वो ढेर सारे डक्स। अब हम सिटी सेंटर की तरफ जा रहे हैं धीरे धीरे। देखिए यहाँ पे फार्मेसी आपको हर जगह मिल जाएगी, हर थोड़ी थोड़ी दूर पर फार्मेसी होगी। अब देखा मैक नीट ये स्टोर है। ये यहाँ का थिएटर है जिसे फेस्ट बोलते हैं। तो जितनी भी कल्चरल एक्टिविटीज होती हैं, प्रोग्राम्स होते हैं, वो अंदर इस थिएटर में होते हैं। अब हम सेंटर ऑफ द सिटी में आ चुके हैं। देखिए चारों तरफ बिल्डिंग्स हैं वैसी ही जैसी पूरे शहर में हैं। थिएटर के बगल से चलते हुए हम जा रहे हैं और एक हम गार्डन में आ गए
और गार्डन में फाउंटेन है और लोगों के बैठने की जगह है, लोग इवनिंग में आके बैठते हैं यहाँ पे गार्डन में और फाउंटेन चलता रहता है। देखिए फाउंटेन शायद स्टार्ट हो गया, अभी पास पहुँच कर उसको शूट करेंगे हम। ये देखिए पार्क में अंदर आ गए हम और ये जो थिएटर फर्स्ट के बारे में बता रहा था ये उसका देखिए फ्रंट लुक है, वो सामने लिखा हुआ है थिएटर फेस्ट। देखिए यहाँ पार्क है, चारों तरफ लोग बैठे हुए हैं और ये फाउंटेन है। ये देखिए पार्क में बेंचेस हैं और ये डस्टबिन है, डस्टबिन यहाँ बड़े प्यारे होते हैं, ये डस्टबिन है। ये पार्क फाउंटेन लोग बैठे हुए हैं, ये एक स्टैचू है शायद किसका है देखते हैं चलिए। ज्यादातर पार्क में भी बहुत कम लोग हैं, लोग या तो अपने घरों में बिजी हैं या छोटा शहर है तो मेरे ख्याल है मॉस्को चले गए होंगे, क्योंकि छुट्टी का दिन होता है तो लोग अपनी फैमिली के साथ मॉस्को जाना चाहेंगे। ये फूल देखे कितने खूबसूरत, व्लादिमीर इलिच लेनिन का स्टैचू है, मुझे दूर से ही लगा था। सिटी सेंटर एग्जैक्ट आ गए ठीक सामने, देखिए ये एक स्कूल है बच्चों का। ये स्कूल का एंट्रेंस है, देखिए गवर्नमेंट स्कूल है लेकिन बिल्डिंग इतनी अच्छी है, लेकिन मीडियम ऑफ स्टडी जो है वो रशियन लैंग्वेज में पर होता है। और ठीक सामने ये यहाँ का मेयर ऑफिस है ना, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस है शहर का, वो क्लॉक टावर है। देखिए फूल बहुत मिलेंगे आपको, गर्मियों में सबसे ज्यादा मजे इसकी बात है, चारों तरफ फूल, अच्छे अच्छे रंग बिरंगे फूल देखिए। ये पेड़ देखिए ऑलमोस्ट अपने पीपल से रिजेम्बलेंस है ना, इसके जो लीव्स हैं पीपल की पत्तियों जैसी हैं, लेकिन इसका मुझे नाम नहीं मालूम क्या है, किसी से पूछूंगा तो बताऊंगा इसका नाम क्या है। ये देखिए ये स्कूल का प्लेग्राउंड है, देखिए बच्चों के लिए कितने ढेर सारे खेलने के सामान हैं। सिटी सेंटर देखिए यहाँ का, रात को लाइट में बड़ा खूबसूरत लगता है, व्यस्त है हम दिन में देख रहे हैं। दोनों तरफ घर बने हुए हैं यहाँ पे, बीच में सड़क है और ये पूरा जो आप स्पेस देख रहे हैं ये पेडेस्ट्रियन के लिए है, बच्चों के साइकिल चलाने के लिए है और आप यहाँ पे बैठ सकते हैं शाम को टहलिए।
ये देखिए सामने क्या छोटा सा कुत्ता आ रहा है, देखिए क्या मजेदार है। बच्चों का पार्क देखिए, जस्ट लाइक ए किंडर गार्डन ना, तो ढेर सारे खेलने का सामान है। सब कुछ अच्छा है यहाँ पे, बस प्रॉब्लम यही है कि शहर किसी भी शहर में चले जाइए, एक सा लगता है, नयापन कुछ भी नहीं होता है, एक ही से बिल्डिंग्स हैं, एक ही से स्ट्रीट्स हैं, ऑलमोस्ट स्ट्रीट्स के नाम तक सेम होते हैं, तो कभी कभी बड़ा इरिटेशन हो जाता है ना, बिल्डिंग एक सी, एक ही स्टाइल की, कलर कॉम्बिनेशन ऑलमोस्ट है और आर्किटेक्चर भी सेम होता है, तो कभी कभी बड़ा कोस्ट होती है, लगता है कि कहाँ आ जाए, सब कुछ मोनोटोनस हो जाता है। बड़े शहरों की बात अलग होती है, अगर आप सेंट पीटर्स चले जाएं, बर्ग चले जाएं, मॉस्को चले जाएं, उन सब जगह की अलग बात होती है, या न्यू ईयर या क्रिसमस सेलिब्रेशन होता है तब शहर, हर शहर डिफरेंट लगता है, अदरवाइज नहीं तो देखिए एक ही से मकान, एक ही से स्ट्रीट, एक ही सा सब कुछ आपको मिलेगा देखने को। ये देखिए सामने यहाँ का स्टेडियम है, देखिए अरेना मितिश, ये यहाँ के अरेना है, स्टेडियम है, यहाँ पे हॉकी और स्केटिंग जो भी कुछ होता है। देखिए आप थोड़ा सा बिल्डिंग्स में कॉम्बिनेशन डिफरेंट दिखाई देने लगा, जो बालकनीज हैं वो ब्लू कलर, ब्लू के शेड्स हैं, सामने आपको कुछ येलो के शेड्स दिखाई दे रहे होंगे, नहीं तो अभी तक तो सफेद रंग, लाल बिल्डिंग देख देख के थोड़ा सा मन वो हो गया था। देखिए यहाँ पे भी वो स्टार है, रात को बड़ा अच्छा लगेगा। ये देखिए ये हेजेस कितनी अच्छी लग रही है ना। देखिए ये रहना, ये रहना मितिश, पूरे शहर में हरियाली। सिटी सेंटर्स में आपको अच्छी अच्छी बिल्डिंग्स देखने को मिलेंगी। ये सामने एक बिजनेस सेंटर आ दिखाई दे रहा होगा आपको, लिखा है ऑफिस बिजनेस सेंटर। ये देखिए काफी अच्छी खूबसूरत बिल्डिंग है, देखने में बड़ी अच्छी लग रही है। सिटी सेंटर ऑफिस, ये शॉपिंग कॉम्प्लेक्स देखिए, शॉप्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट शॉप्स, फन एंड सन, ससेदी, खूबसूरत बिल्डिंग लग रही है, देखिए ना, देखिए डिफरेंट तरीके का लुक आ रहा है इस बिल्डिंग को देख के।
यांडेक्स मार्केट इसको भी आप क्रॉस होते ब्यूटी सैलून आपको हर जगह मिल जाएंगे यहाँ पे, हर थोड़ी दूर पे ब्यूटी सैलून। लोग अपने को प्रेजेंटेबल बनाए रखने के लिए, आदमी हो या औरतें, हर बिल्कुल एक्टिव रहता है। सैलून क्रॉस होती सर दिखाई दीजिए, हम उलित साल्योतनिया में है इस समय अच्छी खासी धूप निकली हुई है यहाँ पे, तो मौसम थोड़ा सुहाना हो गया है, हवा थोड़ी ठंडी है। सामने बिल्डिंग देखिए, पुलिस साल्योतनिया का शॉपिंग कॉम्प्लेक्स सर देखिए। अब हम दूसरी तरफ कहीं जा रहे हैं, देखिए रशिया में जब से आया हूँ कार दिखाई दी, मोटरसाइकिल दिखाई दिया, स्कूटर पहली बार मैंने यहाँ देखा, एक स्कूटर खड़ा हुआ है, देखिए पहली बार मुझे स्कूटर दिखाई दे रहा है। अब हम स्ट्रीट टेरेश्कोवा पे हूँ, वैलेंटिना टेरेश्कोवा को आप जानते होंगे, एस्ट्रोनॉट, उनकी मेमोरी में ये स्ट्रीट है। ये वाले जो आपको मकान दिखाई दे रहे हैं काफी पुराने हैं, ये 16 डिकेड में बने हुए हैं ना, करीब करीब ये 60-70 साल पुराने मकान हो गए। उसके बगल में देखिए वो नया कंस्ट्रक्शन शुरू हो चुका है, पुराना मकान उसके ठीक बगल में बिल्डिंग्स, उसके बगल में ये नई बिल्डिंग्स आपको फिर दिखाई दे रही हैं। और ये जो आपको नई वाली बिल्डिंग्स दिखाई दे रहे हैं, जो 60s या 50s के मकान थे उनको तोड़ के न्यू कंस्ट्रक्शन हो रहा है पूरा। इस साइड अभी भी पुराने मकान आपको दिखाई दे रहे होंगे जो 50s या 60s के बने हुए हैं, कुछ दिनों बाद ये भी टूट जाएंगे। मॉडर्नाइजेशन का यही खेल होता है, आपको जब डेवलपमेंट चाहिए होता है तो आप मकानों को तोड़ते हैं, एनवायरमेंट को डिस्टर्ब करते हैं और ऐसी ऊंची ऊंची कंक्रीट की बिल्डिंग्स बना देते हैं जिससे आगे चल के प्रॉब्लम होती है। ग्लोबल वार्मिंग का इम्पैक्ट उसी का एक रीजन है। बच्चों का प्ले टाइम, देखिए खेल कूद हो रहा है, फुटबॉल खेल रहे हैं बच्चे। दोस्तों इस वीडियो को यहीं ख़त्म कर रहा हूँ, इसका दूसरा पार्ट का इंतज़ार करिए। तो चलता हूँ, दूसरे पार्ट में आप लोगों से मुलाकात होगी, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, और मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग सब्सक्राइब कर लें। किसी अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अलविदा दोस्तों।